बर्थडे पर कार्तिक ने माँ को किया विश, लिखा आप मेरी क्वीन हो। चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन वैसे तो अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन इसके उलट वो अपनी माँ के भी बेहद करीब हैं। हाल ही में कार्तिक ने अपनी माँ के बर्थडे के मौके पर उन्हें सोशल मीडिया पर विश किया। उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर माँ के साथ एक फोटो शेयर करते हुए अपनी उन्हें क्वीन बताया है। कार्तिक ने अपनी माँ माला तिवारी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए उसके कैप्शन में लिखा, मानो या ना मानो मैं आपका शहजादा हूँ और आप मेरी क्वीन हो, हैप्पी बर्थडे मम्मी। माँ के साथ इतना प्यारा मोमेंट शेयर करते हुए कार्तिक के फैंस काफी सारा उन्हें अपना प्यार दे रहे हैं और साथ ही उनकी क्यूटनेस की भी काफी तारीफ कर रहे हैं। इस पोस्ट पर एक्टर विक्रांत मैसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा, आंटी जी को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। वही रौनित बॉस ने कमेंट किया, उन्हें मेरा प्यार और शुभकामनाएं देना, हैप्पी बर्थडे। सत्य प्रेम की कथा के डायरेक्टर समीर विश्वास ने भी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे आंटी। कार्तिक के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक्टर जल्द ही मसाला फिल्म शहजादा में नजर आएंगे। इस फिल्म में कार्तिक के ऑपोजिट कृति सेनन नजर आएंगी। साथ ही मनीषा कोइराला, परेश रावल, रोनित रॉय और सचिन खेडेकर जैसे सितारे भी फिल्म में जान डालते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें इसकी रिलीज डेट 10 फरवरी 2023 रखी गई है। शहजादा तेलुगु फिल्म अला वैकुंठ पुरुमुलु का हिंदी रीमेक है। इसके अलावा कार्तिक म्यूजिकल ड्रामा सत्य प्रेम की कथा और कबीर खान की अपकमिंग फिल्म कैप्टन इंडिया की शूटिंग में भी बिजी है। कार्तिक आर्यन को आखिरी बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म फ्रेडी में देखा गया है, जो इस फिल्म में एक दांतों के डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और प्यार में धोखा मिलने के बाद अकेलेपन से जूझ रहे हैं।